हाउ टू लुक ब्रांडेड ऑन चीप क्लॉथ, यानी कि सस्तों कपड़ों में हम लोग कैसे ब्रांडेड दिख सकते हैं, हम लोग कैसे दिख सकते हैं कि हम लोग वैन हुसैन और बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि ली कूपर ये सब का कपड़ा जो है पहने हुए, या फिर रैंगलर, इन सब का ब्रांडेड क्लॉथ हम लोग पहने हुए। तो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसा 5 तरीका जिससे आप अपने सस्ते दामों में एक अच्छा लुक पा सकते हो। गाइस ब्रांडेड कपड़ों में कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि मैं आज कवर कर देने वाला हूँ 5 के 5 टॉपिक में, जो कि आप एक लोकल कपड़े में भी मॉडिफाई कर सकते हो या फिर उस तरह का कपड़े खरीद सकते हो जो कि आपको ब्रांडेड और अच्छा दिखाता है। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like... गाइस सबसे पहला जो चीज है वो क्या है, फिट, यानी कि जो भी आपको कपड़ा लेना है गाइस, फिट, यानी कि जब आप ब्रांडेड क्लॉथ लेने जाओगे, बाय करने जाओगे, मैंने बहुत सारा ब्रांडेड क्लॉथ खरीद चुका हूँ और पहना भी हूँ। तो गाइस अगर आप ब्रांडेड कपड़े लेने जाते हो तो ब्रांडेड कपड़ों में होता है क्या कि वहाँ पे आपको जो है फिटिंग फ्री दी जाती है, यानी कि जब भी आप कपड़े पहनते हो तो आपको अगर बड़ा साइज होता है तो वो खुद बोल देता है सिर्फ अच्छा कपड़ा चूज करो और सेलेक्ट करो, आपके बॉडी के अनुसार ये फिट हो जाएगा। तो गाइस बड़े बड़े कपड़ों, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं हम लोग को ये देती हैं सुविधा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनको फिट बना करके पहन सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बात जरूर होगा जिससे कि फिटिंग जो है इफेक्ट डालता है हम लोग के लुक पे और हम लोग को लुक को इन्हेंस करता है। तो गाइस नंबर टिप से क्या है कि जब आप कपड़े खरीदते हो लोकल, जब आप कपड़े खरीदते हो उस पे जो बटन्स होते हैं, यानी कि जो आप बटन यहाँ पे टाई करते हो, यहाँ पे जो आप बटन जो है वो आप लगाते हो, तो वो बटन्स जो है गाइस वो लोकल होती हैं और देखने में बहुत ही लोकल तरह का लगता है। आप गाइस क्या कर सकवा सकते हो कि ये सब जो बटन्स होते हैं यहाँ पे 4 और 5 जो बटन्स होते हैं उनको आप चेंज करवा सकते हो, आप मार्केट से दूसरा बटन्स खरीद सकते हो और आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। आप खुद से भी ये घर में कर सकते हो और नहीं तो आप टेलर से भी करवा सकते हो, ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से मार्केट में जो है 5 रुपये 7 रुपये में अच्छे अच्छे बटन्स जो है मार्केट में आते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो कि कॉलर को मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि जब आपको कॉलर देखते होगे आप लोकल कपड़ों में कॉलर बड़ा बड़ा होता है तो आप उन कॉलर को जो है छोटा करवा सकते हो टेलर्स के थ्रू, और छोटे कॉलर्स आप देखते होंगे ब्रांडेड कपड़े में छोटे छोटे कॉलर्स होते हैं, तो उस तरह से आप अपने कपड़े को जो है मॉडिफाई कर पहन सकते। थर्ड नंबर तरीका है क्या, आयरनिंग। हम लोग क्या करते हैं गाइस कि आयरन नहीं करते हैं, यानी कि आप देखते होंगे लोकल मार्केट से जब आप कपड़े खरीदते हो तो वो आयरन नहीं होता है, वो मतलब कि ऐसे ही मोड़ा हुआ होता है गाइस। तो उसको क्या करना है आपको गाइस कि आयरन कर पहनना है। जब आप आयरन कर पहनते हो तो वो जो है उसका रेपुटेशन जो है बढ़ा देता है उस कपड़ों का, और उस कपड़े का वैल्यू जो है वो बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है वो जो कपड़ा होता है वो बहुत ही स्टाइलिश आपके शरीर पे लगता है और लगता ही नहीं है कि वो लोकल है, वो भी एक ब्रांडेड का आकार ले लेता है। उसके साथ ही साथ आपको जो है कपड़े जो है आपको डार्क कलर का सेलेक्ट करने चाहिए, जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया। इसमें क्या होगा कि उस कपड़े का फैब्रिक जो है वो नज़र नहीं आएगा, जब आप लाइट खरीदोगे तो उसका फैब्रिक नज़र आएगा कि वो किस फैब्रिक से बना हुआ है, तो उससे भी बहुत लोग जज कर लेते हैं कि ये लड़का ब्रांडेड पहना है या ना पहना है। तो आपको क्या करना है गाइस कि फैब्रिक जज नहीं करवाने, यानी कि आपको डार्क कलर का कपड़े लेने हैं। हम लोग का फोर्थ नंबर टिप्स है सेंस ऑफ ड्रेसिंग, यानी कि जब आप कपड़े पहनते हो तो पहनने का तरीका, आप लोग क्या करते हो गाइस कि हाथ यहाँ पे बंद कर लेते हो पूरा, मतलब कि खोल देते हो शर्ट्स को, और यहाँ पे जो है हाथ पे जो है रिस्ट पे जो है आप बटन लगा लेते हो, साथ में आप यहाँ पे भी अच्छे से बटन लगा कर एकदम मतलब कि एकदम सरल लड़का की तरह पहनते हो। तो वो सब गाइस पहले के ज़माना में चलता था, अब वैसा नहीं चलता है, आपको स्लीव को फोल्ड कर पहनना चाहिए, साथ में आपको बटन्स को आप अंदर में एक टी शर्ट डाल सकते हो, ऊपर से बटन्स को खोल करके आप पहन सकते हो। तो इससे क्या होगा कि वो कपड़े का इन्हेंस लुक बढ़ाएगा, जब लोगों को लगेगा कि नहीं ये लड़का लुक में कपड़ा पहना है तो वो आपको जज भी नहीं करेंगे कि ये कपड़ा लोकल है या नहीं है। तो गाइस सेंस ऑफ ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर आप सेंस ऑफ ड्रेसिंग में ही आपका फिटिंग भी आता है गाइस, तो सेंस ऑफ ड्रेसिंग यानी कपड़े को पहनने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको कपड़ों को अच्छे तरीके से पहनना है, अच्छे ढंग से पहनना है, जिससे कि उसका जो लुक है जो वो इन्हेंस हो जाए। गाइस सबसे लास्ट नंबर क्या है कि फंकी टाइप का कपड़ा हम लोगों को नहीं खरीदना है, यानी कि किसी किसी जींस में देखते होगे आपकी बहुत ज़्यादा वो एक्सीडेंटल होता है, उसमें क्या क्या प्रिंट किया हुआ रहता है गाइस, साथ में उसमें क्या तो थप्पा टाइप का कुछ लगा हुआ रहता है, लोगो टाइप का लगा हुआ रहता है, जो कि बहुत ही बेकार लगता है। लोग समझ जाते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सीडेंट और इतना ज़्यादा वर्क किया हुआ जो जींस है वो ब्रांडेड नहीं है और कंपनियां ऐसा जींस नहीं बनाती है। आप जब ब्रांडेड जींस खरीदने जाओगे तो उसमें थोड़ा मोड़ा एक्सीडेंटल आपको दिखेगा, आपको दिखेगा ही नहीं ज़्यादा एक्सीडेंटल। तो गाइज मैं भी एक बार ब्रांडेड क्लॉथ में जाकर ब्रांडेड शोरूम में जाकर के जींस खरीदने गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा
तो वहाँ पे वहाँ की शॉप के ऑनर ने मुझे बताया कि नहीं, ब्रांडेड कपड़ों में जो है इतना ज़्यादा एक्सीडेंटल वगैरह नहीं आता, और मुझे भी वो पसंद नहीं था। मैं सिर्फ ऐसे ही देखना चाहता था कि ब्रांड्स जो है किस तरह से एक्सीडेंटल बनाती हैं। तो गाइज़ मैंने वहाँ पे कम एक्सीडेंटल का जींस लिया, कम जो एक्सीडेंटल हो, और कंपनियाँ भी वैसा ही बनाती हैं, तो इससे मुझे पता चलता है और आप लोगों को भी पता चलता है गाइज कि ज़्यादा आप लोगों को प्रिंटेड यानी कि टी शर्ट में भी आप देखते हो कि यहाँ पे प्रिंट कुछ लिखा हुआ है। तो गाइज़ ये तो है थोड़ा क्लासी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कोई टी शर्ट में लिखा होता अपना टाइम आएगा, तो ये सब बहुत बेकार लगता है। आओ कभी हवेली पे, ये सब जो है बहुत ही बेकार लगता है, और ये दिखाता है कि सही में सस्ते क्लॉथ्स हैं। तो आप लोग को प्रिंटेड यानी प्रिंटेड से दूर रहना है गाइज आप लोगों को क्लॉथ्स से, और साथ में आप लोगों को फंकी क्लॉथ्स नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ताम झाम वाला क्लॉथ्स नहीं लेना है, थोड़ा मतलब कि लो क्लॉथ्स तो सिंपल लो लेकिन उसको स्टाइलिश वे में पहनो। और बहुत सारे ऐसे स्टाइलिश भी कपड़े आते हैं जो कि फंकी नहीं होते हैं फिर भी बहुत ही बेस्ट लगते हैं। तो गाइज ये था हम लोग का पाँचों ट्रिक जिससे कि आप अपने लुक को इन्हांस कर सकते हो, वो भी सस्ते कपड़ों में। तो गाइज एक बोनस टिप्स मैं देना चाहूँगा, आप जब भी कपड़े सस्ते या कुछ भी कपड़े पहनो तो आप क्या करो कि नीचे से जींस को जो है वो नैरो पहनो। जब आपका जींस जो है नैरो होता है और फिटिंग होता है तो वो आपके ऊपर वाले लुक को भी इन्हांस करता है। साथ में आप जींस को पिन रोल कर सकते हो और उसके नीचे स्नीकर्स पहन सकते हो जो कि वाइट हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है, तो वो बहुत ही बेस्ट लगने वाला है गाइज। तो गाइज़ इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।